हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे विच टाइप ऑफ गीजर्स, कि गीजर कितने प्रकार के होते हैं और हमें घर में कौन सा गीजर यूज करना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गीजर्स, तो हम बात करते हैं, ये है अपना गीजर ऑफ टाइप्स, ये है गीजर ऑफ साइज और ये है उनका हीटिंग टाइम। तो सबसे पहले जो अपना आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिकल गीजर, जो कि आपका 20-25 लीटर स्टोरेज का होता है। उसकी जो अपनी स्टोरेज साइज है वो ज्यादा होती है और उसका जो हीटिंग टाइम है वो स्लो होता है, यानी कि धीरे धीरे आपके पानी को गर्म करेगा और आपको उसका पानी मिलेगा। सेकंड है अपना गैस गीजर। गैस गीजर का भी हाई स्टोरेज होती है सेम, और जो उसका पानी गर्म करने का हीटिंग टाइम है वो है फास्ट, जैसे कि आप तुरंत उसके अंदर पानी सप्लाई जाएगी और आपको उसके आउटपुट से तुरंत गर्म पानी मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपना सोलर, जो कि हमारे घरों के ऊपर छत पे लगा हुआ होता है सोलर प्लांट, उसका जो स्टोरेज टाइप है वो बहुत बड़ा होता है। आप उसको स्टोरेज अपने हिसाब से कंफर्ट करवा सकते हैं और जो उसका हीटिंग टाइम है वो मीडियम है, मतलब ना कि स्लो ना फास्ट, मीडियम टाइम। उसके बाद है चौथा पॉइंट अपना इंस्टेंट, इसका साइज छोटा होता है इंस्टेंट गीजर का और जो उसका हीटिंग टाइम है वो बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट, तुरंत आप नल खोलोगे आउटपुट से आपको तुरंत गर्म पानी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ गीजर के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बताएंगे आपको क्या अपनी चीज सीरीज में लगेगी, क्या पैरेलल में और किसके अंदर फेज न्यूट्रल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है अपनी मेन लाइन जहां पे 220 वोल्ट एसी आई हुई है। यहां से हमने एक पॉइंट दे दिया अर्थिंग के लिए, जो कि आपको गीजर की बॉडी के साथ शॉर्ट करना है। उसके बाद हम यहां से लेते हैं पहले न्यूट्रल, हमने न्यूट्रल लिया और जो अपना रेड बल्ब होता है हीटर इंडक्शन का, उसके अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया और यहीं से हमने एक और न्यूट्रल उठाया जो कि अपनी ग्रीन बल्ब की सप्लाई है, उसके अंदर एक पॉइंट हमने न्यूट्रल का वहां पे लगा दिया। उसके बाद हमने एक और न्यूट्रल वहीं से उठाया है, उसके बाद वो न्यूट्रल हमने दे दिया डायरेक्ट हीटर के अंदर, जो भी अपना एलिमेंट होता है गीजर के अंदर उसके अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया। तो यहां तक दोस्तों जो अपना न्यूट्रल था वो हो चुका है क्लियर। अब हम बात करेंगे फेस हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो ये है अपना फेस, सबसे पहले अपना फेस आया, ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है जो मैंने आपको बताया दिखाया था वीडियो में, उसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया एक पॉइंट पे फेस, दूसरे पॉइंट से हमने फेस की आउटपुट निकाली। इस आउटपुट में से एक पॉइंट हमने ये देख, जैसे ये दिख रहा है आपको, वो दे दिया इंडिकेशन बल्ब के अंदर और यहां से हमने इसकी आउटपुट को दूसरा जो टेम्परेचर थर्मोस्टेट है उसके इनपुट में लगाया। जो टेम्परेचर थर्मोस्टेट है उसकी इनपुट से ये हमने दोबारा फिर उसकी आउटपुट से फेस निकाल दिया। एक फेस हमने दे दिया ये हीटर इंडक्शन के अंदर जो अपना ग्रीन बल्ब है और एक फेस हमने दे दिया हीटर के अंदर। तो ये थी अपनी जो वायरिंग थी इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ गीजर। अभी मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि अपना रेड बल्ब कब जलेगा और ग्रीन बल्ब कब जलेगा। तो अब इस समय जो अपना इलेक्ट्रिकल गीजर है वो पूरी परफॉर्मेंस के साथ काम करेगा, उसके बाद जब हमारा हीटर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद जब हमारा थर्मोस्टेट कट करेगा तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे देखिए दोस्तों ये अपना फेस की लाइन थी, यहां से हमने इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है फेस को। अब क्या होगा, जो अपना ग्रीन बल्ब था उसके पास फेस नहीं पहुंच पाएगा तो अपना ग्रीन बल्ब हो जाएगा बंद और जो अपना रेड बल्ब है वो हो जाएगा चालू। तो इस वायरिंग का टोटल ये है कि जब आपका गीजर चलेगा तो उस टाइम आपके दोनों बल्ब जलेंगे ग्रीन और रेड, और जब आपका थर्मोस्टेट कट कर देगा यानी कि पानी गर्म हो जाएगा तो आपका ग्रीन बल्ब बंद हो जाएगा और रेड बल्ब कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अगर आपको इस वायरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समस्या आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, नंबर है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अभी सीखी है उसको प्रैक्टिकल करके अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है अपनी 220 वोल्ट एसी सप्लाई जो हमारी सीधी मेन लाइन से आई है। इसके बाद ये है अपना फेस, ये जो रेड कलर की वायर देख रही है आपको,
ये फेस हमने सबसे पहले दिया थर्मोस्टेट के अंदर, जो अपना ऑटो रिसेट थर्मोस्टेट था, और इस फेस के आउटपुट पे हमने जोड़ा अपना एक रेड बल्ब का फेस, और यहां से हमने एक पॉइंट और दिया वो दूसरे थर्मोस्टेट के अंदर, जो अपना टेम्परेचर थर्मोस्टेट है। टेम्परेचर थर्मोस्टेट की हमने सप्लाई दी सीधी अपनी एलिमेंट के अंदर, तो यहां पे हमारा फेस का काम था वो खत्म हो चुका है। हम आपको बताएंगे न्यूट्रल काम कैसे देना है। ये है अपना न्यूट्रल ब्लैक वाला, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको ये गई सीधी अपनी एलिमेंट के अंदर, डायरेक्ट न्यूट्रल हमने उसके अंदर दे दिया है। उसके बाद जो अपना ये ग्रीन बल्फ है, एक न्यूट्रल हमने इसको यहां से दे दिया है, और जो अपना ये रेड बल्फ है एक न्यूट्रल यहां पे दे दिया है। मतलब न्यूट्रल हमने इन तीनों का, दो बल्फ और इस एलिमेंट का न्यूट्रल हमने डायरेक्ट एक उसमें दिया है, और जो अपने फेस है वो कंट्रोल किया है अपने दोनों थर्मोस्टेट और एलिमेंट से। फ्रेंड्स, अपना इलेक्ट्रिकल गीजर अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको गीजर को लिए कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा फोन नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।